सॉरी जी तुसी थे। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बस कीजिए अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप ओमकारा जी हैं। दिनों से हमारे घर में रह रहे दिलप्रीत जी बनकर हम सबको ले आया। कौन सी कसर बाकी रह गई थी जो आज पूरी करने के लिए आए हम? गौरी, गौरी मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। सच में मैं ओमकारा बन के जो कुछ भी खोया ना वो मैं दिलप्रीत बन के वापस पाने की कोशिश कर रहा था। बस जिस कोशिश कर रहा था। गौरी, 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 सुनो मेरी एक 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 बस एक बार बात सुन लो प्लीज। मैं मेरी जिंदगी से जब तुम चली गई ना तो मुझे मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ गलतियों का एहसास। गौरी जब तुम चली गई मुझे सब तब समझ में आया कि तुम्हारी क्या जगह है मेरी जिंदगी में, क्या अहमियत है। प्लीज प्लीज आई रियली मिस यू, आई रियली मिस यू गौरी, प्लीज गौरी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत बार दुखा है और मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। मैं दिल से माफी मांगना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं तुम्हारे सामने कैसे हूँ। तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रही थी। मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। मुझे जो सही लगा मैंने किया। मेरे को लगा कि बेस बदल के आता हूँ तुम मुझे नहीं बचाओगी। मैं शायद तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर कर पाऊँ। और गौरी मैं बस तुम्हें वापस ले जाना चाहता था। शादी का फैसला ले लिया। एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा और फैसला ले लिया। कह रहा हूं मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार को मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है गौरी, और मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ, मिसेस ओंकारा सिंह रॉय बना के। बहुत देर हो गई है। हम भी शायद आपकी बात पे विश्वास कर भी लिया होता अगर हमने वो आपके हाथों से लिखी हुई चिट्ठी ना पढ़ी होती। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। झूठ भी बोलने लगे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच। ओंकारा जी हम जानते हैं आपके मन में हमारे लिए हमारे रिश्ते को लेकर कभी कोई जगह नहीं थी, ना ही इज्जत थी। इज्जत नहीं की आपने कभी भी। हमेशा हमारी शादी को नकारा है, हम जानते हैं। पर हमने हमेशा अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। कभी चुलबुल बनकर, कभी कौन बनकर, कभी उस घर की बहू बनकर। सिर्फ पति नहीं है आप हमारे लिए, हमारे परमेश्वर थे। सर आपने अभी पत्नी तक नहीं माना। गौरी अब तो मानता हूँ ना। गौरी मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, है। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। गौरी गौरी मेरी बात सुनो। मैंने अपनी सारी जिंदगी रिश्तों को सिर्फ एक सौदा बने हुए देखा है, सौदा। अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए देखा है, इसलिए मेरा रिश्ते पर से, शादी पर से विश्वास उठ चुका था, टूट चुका था। शायद इसीलिए, शायद शायद इसीलिए मुझे हमारे रिश्ते को समझने में थोड़ा वक्त लग गया, बहुत वक्त लग गया। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज। जानते और समझते भी है आपको कि आपने भी अपनी जिंदगी में हमारी तरह बहुत देखा है, बहुत सहा भी है, हम सब जानते हैं। पर
हमें सहन करने की ताकत ना खत्म हो गई। अब नहीं होता हमसे, बार बार आप हमें गलत समझते हैं, बार बार हमें अपनी सच्चाई का बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है, आपको कहाँ फायदा? बहुत थक गए, बस अब नहीं होना। कहना क्या चाहती? वही जो हम कह चुके हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? नहीं। तो तुम ये कहना चाहती हो ना कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जिससे तुम प्यार नहीं करती, और तुम्हें ये लगता है कि तुम उसके साथ खुश रहोगी? जिससे प्यार किया था उससे शादी करके क्या हम खुश रहे? नहीं ना, खुशी ना रिश्तों से नहीं होती उनका राजी, किस्मत से होती है। वो तो टूटी हुई लेकर पैदा हुए। प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम भूल रही हो कि तुम अब भी मेरी पत्नी हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक जिस शादी को माना नहीं आपने, अब मुझे उसको वास्ता दे रहे हैं? जानता हूं कि तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी गलतियों को माना है लेकिन फिर से दोहराया है। मैं जानता हूं क्योंकि उस वक्त मेरा शक हारा था लेकिन मरा नहीं था, लेकिन अब मर चुका है। ये मेरा वादा है कि मर चुका है वो। उस वक्त मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं था। तुम हमेशा मुझसे पूछते रहे कि क्या अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में, क्या क्या जगह है, पर मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन आज है, आज मेरे पास जवाब है। तेरी आर्ट के बिना ये दिल धड़कता नहीं, तेरे बिना ये सांसों का कारोबार रुक जाएगा। मैं खुदा के सामने भी सर उठाए घूमता हूं, तेरा नाम हो जाओ मेरा सर झुक जाएगा। मेरे लिए आप इश्क और इबादत में फर्क नहीं रहा करी। इतनी बड़ी बात बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए। सोचना सौदे में बनता है, प्यार में नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। Bye.